हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्निंग जूलॉजी विद एसी। आई एम डॉक्टर अरुणा चक्रवर्ती, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर थर्ड सेल बायोलॉजी के अंतर्गत जॉइंट क्रोमोसोम के बारे में बात करेंगे। जॉइंट क्रोमोसोम या महागुणसूत्र के बारे में बात करें तो कुछ कोशिकाओं में लाइफ साइकिल या जीवन चक्र की विशिष्ट अवस्थाओं में लार्ज आकार के स्पेशल क्रोमोसोम की उपस्थिति देखी गई है। इन्हें हम कहते हैं जॉइंट क्रोमोसोम और महागुणसूत्र कहा जाता है। इनकी उपस्थिति के कारण केंद्रक और कोशिका के आयतन में वृद्धि हो जाती है। क्रोमोसोम की संरचना और व्यवहार में महागुणसूत्र अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। ये जो जॉइंट क्रोमोसोम हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जिसे हम कहते हैं लैम्ब्रुश क्रोमोसोम, और दूसरा जो होता है जिसे हम कहते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम। यदि हम लैम्ब्रुश क्रोमोसोम की बात करें तो इन क्रोमोसोम की खोज सर्वप्रथम 1892 में रुकर्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। ये क्रोमोसोम अर्धसूत्री या मियोसिस विभाजन की डिप्लोटीन उपवस्था में मछली, मेंढक, रेप्टाइल, पक्षियों की डिंब कोशिकाएं या ऊसाइट्स में पाए जाते हैं। इनका आकार इतना अधिक बड़ा होता है जिससे इनको नेकेड आई से देखा जा सकता है। यूरोडेल्स जो होते हैं एम्फीबियंस एनिमल्स में, इनकी लंबाई जो होती है 5900 μ देखी गई है। इन क्रोमोसोम का मेन एक्सिस जो होता है वो पेयर्ड समजाति या होमोलॉगस द्वारा बना होता है। प्रत्येक होमोलॉगस दो जो होते हैं क्रोमेटिड्स द्वारा बना होता है। मेन एक्सिस में ये डीएनए के अतिरिक्त प्रोटीन की उपस्थित रहती है। इस मेन एक्सिस में उपस्थित क्रोमोसोम की क्रोमोनीमा जो होती है लैटरल साइड में अनेक लूप बनाती है, और ऐसे लूपों की उपस्थिति के कारण प्रत्येक क्रोमोसोम एक परख नली ब्रश अथवा लैम्ब्रुश की तरह दिखाई देता है। इस कारण इन्हें हम क्या कहते हैं, लैम्ब्रुश क्रोमोसोम कहते हैं। लूप का अक्ष जो होता है आरएनए तथा प्रोटीन के बने मैट्रिक्स के द्वारा घिरा रहता है। प्रत्येक लूप के आधार पर अनेक क्रोमोमियर स्थित होते हैं जो मेन एक्सिस की तुलना में गहरे स्टेन या अभिरंजित होते हैं। ये जो होते हैं फ्यूजन नेगेटिव होते हैं। एक क्रोमोमियर से 1 से 9 लूप तक निकल सकते हैं। इन लूपों का आकार औसतन मेंढक में जो होता है वो 9.5 μ तथा न्यूट में 200 μ तक होता है। प्रत्येक लूप में एक लूप जो होता है वो एक्सिस लूप एक्सिस होता है जो मैट्रिक्स से ढका रहता है। लूप एक्सिस जो होती है क्रोमोसोम की मोटाई लगभग 30 से 50 angstrom होती है। इसमें डीएनए जो होता है द्विकुंडलित बाइल कॉइल्ड होता है, और मैट्रिक्स में आरएनए और प्रोटीन उपस्थित होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में लूपों के जो पेयर की संख्या तब तक बढ़ती रहती है जब तक डिप्लोटीन अवस्था में यह उच्चतम सीमा तक नहीं पहुंच जाती। इस अवस्था के पश्चात लूपों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। अंत में लूप जो होते हैं लुप्त हो जाते हैं। साइंटिस्ट का नाम है एच रिस। इनके अनुसार जो होता है ये लूप जो होते हैं क्रोमोनिमेटा के ही भाग होते हैं जो बड़ी कुंडलियों के रूप में उभर आते हैं। लैम्ब्रुश क्रोमोसोम के लूपों का प्रमुख कार्य जो होता है आरएनए और प्रोटीन का सिंथेलेशन करना होता है। आरएनए का निर्माण जो होता है फाइब्रिल के कॉन्जुगेशन प्लेस जो होते हैं संयुग्मन स्थान और लूप की मुख्य एक्सिस मेन एक्सिस पर होता है। फाइब्रिल की लंबाई में वृद्धि जो होती है आरएनए के संश्लेषण पूर्ण होने तक होती है। डिंब कोशिकाएं या जिसे हम कहते हैं ऊसाइट्स में सिंथेसिस आरएनए जो होते हैं मुख्यतः राइबोसोम के निर्माण का कार्य करता है। ये राइबोसोमल आरएनए जो होता है इसके अतिरिक्त थोड़ी मात्रा में जो होते हैं मैसेंजर आरएनए भी बनता है जो कि साइटोप्लाज्म में कलेक्ट या संग्रहित रहता है और अंड के क्लीवेज के समय इम्ब्रियो निर्माण में काम आता है। उसके साथ ही लैम्ब्रुश क्रोमोसोम का अन्य कार्य जो होता है वो ऊसाइट्स में यॉक फॉर्मेशन का भी
होता है। यदि हम पॉलीटीन क्रोमोसोम की बात करें, इन क्रोमोसोम की खोज सर्वप्रथम जो होता है बेल्बियानी ने 1881 में की थी। अनेक वैज्ञानिक जो थे कोस्थोफ 1930, पेंटर 1933, हेज एंड बैनर जो थे, हिट्स एंड बैनर जो थे, इन्होंने 1933 में इनका अध्ययन किया। क्रोमोनेमा की उपस्थिति के कारण इनको पॉलीटीन का नाम क्या गया, कोलर ने दे दिया। ये भी लैम्ब्रुश क्रोमोसोम की तरह जो होते हैं मैक्रो आकृति वाले, दीर्घ आकृति वाले क्रोमोसोम होते हैं, जो डिप्टेरा ऑर्डर के कुछ इंसेक्ट्स के लार्वी में, लार्वाओं में लार ग्रंथी या सलाइवरी ग्लैंड, मेल्फीजियन ट्यूब्यूल्स, एलिमेंट्री कैनाल की एपिथेलियल लेयर तथा जो होती है फैट बॉडीज में पाए जाते हैं। ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर्स में पॉलीटीन क्रोमोसोम की कुल लंबाई जो होती है 2000 म्यू होती है, जबकि सामान्य जो होती है सोमेटिक सेल्स में क्रोमोसोम की लंबाई केवल 7.5 म्यू होती है। उनका अत्यधिक आकार इनमें उपस्थित क्रोमोनिमा के 9 या 10 बार डुप्लीकेशन के कारण होता है। डुप्लीकेशन के पश्चात ये क्रोमोसोम पृथक नहीं हो पाते हैं, आकार में जो होते हैं बड़े हो जाते हैं। डुप्लीकेशन के फलस्वरूप बने समस्त क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो पॉलीटीन क्रोमोसोम में बटी हुई रस्सी के धागों के समान पड़े रहते हैं। ये तंतु काफ़ी महीन होते हैं। प्रत्येक तंतु को क्रोमोसोम में माना जा सकता है। वलयकों के पुनः द्विगुणन की प्रक्रिया को एंडोमाइटोसिस कहा जाता है। इस प्रकार एंडोमाइटोसिस के फलस्वरूप बड़ी संख्या में बनी क्रोमोनिमेटिक वलय या क्रोमोनिमेटिक रिंग साथ साथ पड़े रहते हैं तथा उन्हें उनके जो होते हैं उनके सेंट्रोमियर्स जो होते हैं निकट संपर्क में स्थित होते हैं। यह जो होते हैं बड़े आकार वाले पॉलीटीन क्रोमोसोम में 512 से लेकर 512 से लेकर कई हजार तक क्रोमोनिमेटिक रिंग जो होती हैं पाई जाती हैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम पर अनेक जो होते हैं बैंड्स और इंटर बैंड्स जो होते हैं तथा पफ्स तथा बाल्बियनाई रिंग जो होते हैं पाए जाते हैं। बैंड्स एंड इंटर बैंड्स पॉलीटीन क्रोमोसोम की पूर्ण लंबाई पर अल्टरनेट क्रम में पट्टिकाएं बैंड्स या अंतर पट्टिकाएं इंटर बैंड्स उपस्थित रहती हैं। बैंड्स जो होती हैं लगभग संख्या में 5000 होती हैं। ये डार्क स्टेन प्राप्त करती हैं, फलगन पॉजिटिव होती हैं तथा 2600 एंगस्ट्रॉम वाली अल्ट्रावायलेट लाइट का एब्जॉर्प्शन कर सकती हैं। इंटरबैंड्स जो होते हैं हल्के होते हैं, ये फलगन नेगेटिव होते हैं। कुछ ही अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं अल्ट्रावायलेट लाइट का एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। पट्टिकाएं या बैंड जो होते हैं क्रोमोनिमेटा पर विन्यसित क्रोमोमियर से निर्मित होती हैं जो क्रोमोसोम के अक्ष के लंबवत स्थिर होती हैं। बैंड कुछ अन्य विशिष्ट लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये क्रोमोसोम पर निश्चित रूप से अरेंज होती हैं। इनकी सहायता से क्रोमोसोम का सही सही चित्रण किया जा सकता है। बैंड्स जो होती हैं जेनेटिकली रूप से एक्टिव होती हैं। इनमें डीएनए प्रचुरता से होता है। इसके अतिरिक्त आरएनए और शार्की प्रोटीन के अंश पाए जाते हैं। साइंटिस्ट का नाम है वॉन हार्विडेन। 1911 में इन्होंने इन बैंड को परिभ्रमण बताया जो नियमित सर्पिल के रूप में होते हैं। इस मान्यता को एल्वेडेंस ने 1912 में समर्थन किया और कोस्थोफ ने 1930 के अनुसार बैंड जो होते हैं क्रोमोसोम पर जीन के रेखित क्रम को निरूपित करते हैं। इंटर बैंड्स में नॉन हिस्टोन प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इनमें कुल प्रोटीन की मात्रा बैंड में उपस्थित प्रोटीन से अधिक होती है। ये आरएनए सिंथेसिस से संबंधित नहीं होने के कारण अनुवांशिकी दृष्टि से कम सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पफ्स एंड बाल्बियनाई रिंग। ये पॉलीटीन क्रोमोसोम में अनेक कीटों के डिप्टेरा ऑर्डर लार्वाओं के डेवलपमेंट के समय बैंड और इंटर बैंड पर अनेक उभार पाए जाते हैं जो क्रोमोसोमल बल्ब या पफ्स कहलाते हैं। वे क्षेत्र जिनमें ये पफ विकसित होते हैं इन्हें हम कहते हैं बाल्बियनाई रिंग। पफ्स के निर्माण की क्रिया जो होती है साइक्लिक या चक्रीय होती है, कुछ विशिष्ट जीन्स के द्वारा नियंत्रित रहती है। पफ्स आरएनए
और प्रोटीन के संश्लेषण से संबंधित रहती है। ये क्रोमोनिमेटा के बैंड से निकले संलग्न लूपों की श्रृंखला के रूप में बगलों के फैलाव से उत्पन्न होती हैं। इनकी रचना रोमयुक्त होती है। इनकी उपस्थिति से क्रोमोसोम की मोटाई में वृद्धि होती है। वास्तव में जो होती हैं पफ्स वे क्षेत्र होते हैं जहां पर आरएनए का एक्टिव रूप से सिंथेसिस रहता है। इस सिंथेसिस की दर जो होती है वो विवर्धन के परिणाम साइज से संबंधित होती है। कुछ कायरोनोमस में कई पफ्स डीएनए का असमानुपाती या जिसे कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेट सिंथेसिस भी प्रदर्शित करते हैं। कायरोनोमस जो होता है इनके क्रोमोसोम में पफ्स में प्रोटीन सिंथेसिस का काम भी संपन्न होना देखा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडस्ट्रोम नामक साइंटिस्ट ने 1962 इनके अनुसार क्या था, विभिन्न पफ्स का आरएनए रासायनिक संगठन में एक दूसरे से भिन्न होता है। टेम्परेचर शॉक जो होता है या तापक्रम प्रघात जो होता है, वृद्धि माध्यम की आयनिक सांद्रता में परिवर्तन, भारी धातुओं के अंतःक्षेपण इजेक्शन तथा मोल्टिंग एवं जुवेनाइल हार्मोन्स के उपयोग द्वारा पफ्स निर्माण की क्रिया में परिवर्तन जो होता है इंड्यूस किए जा सकते हैं। पॉलिटीन क्रोमोसोम का प्रमुख कार्य क्या होता है, जीन्स के वाहक के रूप में होता है जो जीव की फिजियोलॉजी को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये जीन्स डीएनए के अणुओं के बने होते हैं। यू क्रोमेटिन के रूप में हिट्रोक्रोमेटिन का स्थानांतरण क्रोमोसोम को अधिक आकृति प्रदान करता है। इसे हम कहते हैं स्थितीय प्रभाव या पोजीशन इफेक्ट कहा जाता है। ये प्रभाव जंतुओं में म्यूटेशन प्रकट करते हैं। ये क्रोमोसोम इनडायरेक्ट रूप से प्रोटीन सिंथेसिस में भी मदद करते हैं। केंद्रिकाओं में उपस्थित आरएनए जो होता है जेनेटिकली इंफॉर्मेशन को जेनेटिक इंफॉर्मेशन को साइटोप्लाज्म में स्थानांतरित कर देते हैं जिससे विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट हम फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम की बात करेंगे। सटन एंड बाबेरी 1902 इनके द्वारा प्रतिपादन जो था अनुवांशिकता के क्रोमोसोम सिद्धांत के अनुसार क्रोमोसोम जो होते हैं अनुवांशिकी का भौतिक आधार या फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी होते हैं। ये जीन्स के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। ये कोशिका की उन सभी क्रियाओं को नियंत्रित करते रहते हैं जिन पर उनकी रचना और क्रियाएँ निर्भर रहती हैं। युग्मक निर्माण के समय काइजमेटा जो होते हैं निर्माण काइजमेटा फॉर्मेशन और क्रॉसिंग ओवर गैमेट में अनुवांशिक भिन्नताएं जेनेटिक वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए क्रोमोसोम जो होते हैं अनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्रोमोसोम की संख्या और उनकी संरचना के होने वाले परिवर्तनों को क्रोमोसोमल एबिरेशन कहते हैं। इन परिवर्तनों में फिनोटाइपिक इफेक्ट्स पाए जाते हैं, सम लक्षणीय प्रभाव होते हैं। इसलिए क्रोमोसोम जो होते हैं गुणसूत्री विपथन जो होते हैं गुणसूत्री उत्परिवर्तनों के स्रोत होते हैं। इनके कारण प्राणियों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। क्रोमोसोम की संख्या को निश्चित बनाए रखने के लिए सेल डिवीजन से पहले क्रोमोसोम की जो होती है रेप्लिकेशन आवश्यक होता है। क्रोमोसोम जो होते हैं प्रतिकृति का प्रतिरूप भी विभिन्न जातियों में भिन्न भिन्न होता है। सामान्यतः क्रोमोसोम में प्रतिकृति का क्रम सिरों से आरंभ होकर काइनेटोकोर की ओर प्रगत होता है। हिट्रोक्रोमेटिन खंडों की अपेक्षा यूक्रोमेटिक खंडों की प्रतिकृति पहले होती है। क्रोमोसोम के हिट्रोक्रोमेटिक क्षेत्र जो होते हैं केंद्रिका पदार्थ के निर्माण में भाग लेते हैं। क्रोमोसोम की संरचना और संख्या में परिवर्तन से जीवों में अनेक विभिन्न लक्षण दृष्टिगत होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने जॉइंट क्रोमोसोम के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।